सेवाड़ा है वो भी बहुत लंबा है, दूर है, दूर एकदम, कॉलेज वगैरह बहुत दूर है। या तो हमारे बच्चों हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन उधर भी हमारे आदिवासी मूल जो बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता है इसमें। लेकिन आदिवासियों के लिए तो अलग से एकलव्य मॉडल ग्रेजुएशन स्कूल खोला जाता है। वो तो हर सरकार बोल रही है कि ये शाला है, ये आदिवासी के लिए स्कूल है, वो हॉस्टल है, लेकिन वहाँ तो दूसरे ही बच्चे रहते हैं। अब भी हमारे यहाँ इधर कितने बच्चे हैं, बारहवीं तक पढ़े हुए सब घर हैं। अच्छा, आगे जाने हायर एजुकेशन के लिए कोई नहीं है, साधन नहीं है। अच्छा, और महिलाओं को तो बहुत बहुत दिक्कत होती है, यहाँ से आरोग्य केंद्र भी इतना लंबा है और नर्स भी हमारे गांव नहीं आते हैं। जो बच्चों को जो ट्रीटमेंट मिलते हैं वो भी 2 महीने के बाद, अगर उनको लगा तो आएगी 2 महीने के बाद, अगर नहीं जाना तो नहीं भी आते हैं। तो दोस्तों, निकिता से हम जो बात कर रहे हैं, ट्राइबल किचन में हम लोग खाना तो बनाते ही हैं, ये आदिवासी